स्टूडेंट्स, आज हमको समझना है चैप्टर टू रेशनल नंबर। इसका हम इंट्रोडक्शन आज समझने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारी डेफिनेशन, व्हाट इज रेशनल नंबर और डिफाइन रेशनल नंबर। सो हियर डेफिनेशन इज रिटन देयर, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके, ऐसा नंबर जिसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो हमने इंटीजर्स के बारे में आपको बताया था, दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो यहां पर ये इंटीजर्स हो सकते हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां क्यू की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि हमने आपसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर अगर हमने लिखा 5/7, तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो इसके लिए हम बोलेंगे यस, इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 5 and 7 आर इंटीजर्स। ओके, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने कहा कि 3/-5, इज दिस एन इंटीजर? सॉरी, इज दिस अ रेशनल नंबर? So definitely yes, it is also a rational number because 3 and 5 are integers. Here 3 is positive integer and 5 is negative integer. और अगर हम तीसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, suppose 5/1, is this a rational number? So definitely this is also a rational number. Okay? और अगर हम more example लें, जैसे हमने कहा 7/0, क्या ये rational number होगा? Then definitely this will not be a rational number because here the value of q, yani यहाँ पर अगर हम q की value को देखें तो ये zero है, यह zero नहीं होना चाहिए। Okay, तो इस तरह से हम इसकी definition को समझ सकते हैं। तो क्या हुआ definition में, a number that can be expressed in the form of p upon q where p and q आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम इसको इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू। हमने जो अभी डिफरेंस पढ़ा था प्रीवियसली, तो उसी पर डिपेंड हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स बट नॉट फ्रैक्शन? ओके, तो यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, इसमें p और q कैसे होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। जैसे कि हमने 5/7 ले लिया या 3/5 ले लिया, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप फ्रैक्शंस को पहचान सकते हैं, यहाँ इनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर जो है आप 2/3, ये भी एक फ्रैक्शन हो सकता है, है ना, या 6/7, ये भी एक फ्रैक्शन हो सकता है। अब अगर हम रेशनल नंबर की बात माने, तो यहां पर p एंड q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स में आना चाहिए। तो यहां पर जो ये -4 लगा हुआ है 4/5, या यहां पर अगर हमने बुक में दिया हुआ है कहीं -6/7, यहाँ पर 8/-9 या 0/9, तो यहाँ पर ये कैसे नंबर्स हैं, 0, इट इज एन इंटीजर एज वेल एज होल नंबर। तो इंटीजर में ये भी आता है, 9 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 8 भी आता है, -9 भी आता है। इस तरह से अगर हम रेशनल नंबर को कहें, तो रेशनल नंबर में पी एंड क्यू कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये -4/5, इट इज एन इंटीजर, 0/9, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर, एंड 8/-9, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। ओके, एंड रिमेनिंग आर फ्रैक्शंस, जो बच गए हैं ये फ्रैक्शंस, और जो अंडर सर्कल हो गए हैं तो ये कैसे हैं, दीज आर रेशनल नंबर्स। थैंक यू।